देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं पीरू इंडिया न्यूज। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ताकि आपको नया अपडेट आपको मिलता रहे। आदरणीय नकदे जी, इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्यों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है, और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक, मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो, वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर रहा है। सरकार के विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले जीबी डेटा, क्योंकि आज युग बदल चुका है, ऑनलाइन दुनिया चल रही है, हर एक के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मोबाइल तो होता ही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी, आज सिर्फ 10 रुपया, आज सिर्फ 10 रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 GB का उपयोग करता है। अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार उसको, अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि में 10 रुपये 20 रुपये मिलती है, आज 20,000 करोड़ रुपया मध्यम वर्ग का जन औषधि के कारण बचा है। देखिए, हर मध्यम वर्गीय परिवार की एक सपना रहता है खुद का घर बने, और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया, और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे, उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया, और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में रहता है, मनसूबा रहता है, वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है, उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है। माननीय सभापति जी, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है, जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इससे ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, अंश के अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता, खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी,
राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। हेलो दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल में चढ़ाया हुआ है, अब जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।